कलाकार मैनपुरी में उनका आना आखिर क्या साबित करता है? आजमगढ़ नहीं गए जहां उनके भाई लड़ रहे थे, रामपुर नहीं गए जहां उनकी पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता लड़ रहा था, और उसके बाद में अभी जो उपचुनाव जो हुआ है जिस प्रकार से लखीमपुर खीरी में गोला में, वहां के ऊपर भी उनका जाना नहीं हुआ और ना ही कहीं के लिए भी अपने चाचा का उपयोग किया, उनको स्टार प्रचारक बनाया। लेकिन आज अपने चाचा को स्टार प्रचारक भी बना दिया, स्वयं में नामांकन कराने भी आए, वैसे भी कराने आए, तो एक तो डर तो है ही है और दूसरा ये जो अपने परिवार बात को भी किनारा करते हुए जो वंशवाद की जो राजनीति को लेकर आए हैं। मैंने तो कहा था कि हो सकता है कि इनका बेटा बेटी लड़ने लायक नहीं है, उनकी उम्र होती तो उनको चुनाव लड़ाते हैं, नहीं है मतलब बेटा बेटी उनका जो भी हो वो चुनाव लड़ने लायक नहीं है, उम्र नहीं है, होती तो सब उन्हीं को चुनाव क्या लगता है।